नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज की वीडियो में दो खबरें आप तक पहुंचाऊंगी। पहली खबर फलस्तीन और इजराइल विवाद को लेकर है। फलस्तीनी नौजवानों के हौसले और मुस्लिम देशों के कड़े तेवरों को देखते हुए आखिरकार इजराइल ने सरेंडर कर दिया। उसने यहूदियों के मस्जिद अलक्षा में घुसने पर रोक लगा दी है। दूसरी खबर यूपी में अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर से जुड़ी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। इसराइल ने यह फैसला अलकुज डे से एक दिन पहले लिया। अलकुज डे क्या है और क्यों मनाया जाता है और असदुद्दीन ओवैसी ने अतीक के बेटे के एनकाउंटर पर क्या कहा, पूरी खबर मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंटरनेशनल कुछ डे से ठीक एक दिन पहले इसराइल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यहूदियों को रमजान के महीने में अलक्षा मस्जिद में जाने से रोक लगा दी। 14 अप्रैल को दुनिया भर में इंटरनेशनल कुद्स डे मनाया जाएगा। ईरान की इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्ला खामनेई ने हर साल रमजान के आखिरी जुम्मे को बैतुल मकदस को आजाद कराने के लिए अल कुद्स डे मनाने की घोषणा की थी। तब से हर साल फलस्तीनी अपनी आजादी के लिए अलक्षा मस्जिद में इकट्ठा होते हैं। इसके साथ ही इस्लामिक देशों में इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट भी होते हैं। फलस्तीन में कुद्स डे की तैयारी शुरू हो चुकी है। इससे पहले ही इजरायल सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि इजरायल हमास और हिजबुल्ला के साथ जंग नहीं लड़ सकता। सरकार के इस फैसले से कट्टरपंथी नेता बेन गवीर छाती पीट रहे हैं और इसमें सरकार की गलती बता रहे हैं। ये वही नेता है जो अपना लव लश्कर लेकर मस्जिद अलक्षा पहुंचे थे, जिसके बाद मुस्लिम देशों ने यूएनएससी की आपातकालीन बैठक बुलाकर इसराइल को जमकर फटकार लगवाई थी। इसराइल के मुख्य रब्बी इसाक जोसेफ ने नेतन्याहू के इस फैसले की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि यहूदी परंपरा के मुताबिक किसी भी उकसावे वाली नीति से बचना चाहिए। यहूदी धर्म में धर्म गुरु को रब्बी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे और उसके साथी गुलाम का झांसी में एनकाउंटर कर दिया। एमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा है कि भाजपा धर्म के नाम पर एनकाउंटर करती है। उन्होंने कहा है कि अगर एनकाउंटर इसी तरह होते रहे तो जज और कोर्ट किस लिए बैठे हैं? क्या अब अदालतों को बंद कर दिया जाना चाहिए? ओवैसी ने तीखे अंदाज में कहा कि क्या बीजेपी नासिर और जुनैद की हत्या करने वालों को भी गोली मारेंगे? ओवैसी ने कहा नहीं, बीजेपी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो तो सिर्फ धर्म के नाम पर एनकाउंटर करवाती है। जुनैद और नासिर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नासिर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे। तुम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नासिर के कातिलों को, नहीं मारोगे। अब तक एक पकड़ा गया, नौ गायब, नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही है, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। आपकी इन दोनों खबरों पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।